अकबर और बिरबल की कहानी, चीनी से रेत अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बिरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्या लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर से पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बिरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बिरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। अब सभी हैरानी से बिरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बिरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बिरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बिरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग हो जाएगी। तभी बिरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बिरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बिरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बिरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत ही पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियां ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बिरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बिरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बिरबल की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है।